प्रदेश। जय हिंद। अभय कमांड कंट्रोल सेंटर बीकानेर से मैं महिला कांस्टेबल शीतल। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में आम जन को विशेषकर महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एक ऐप बनाई गई है जिसका नाम है अभय ऐप, जिसे SOS राजस्थान पुलिस ऐप भी कहते हैं। इस ऐप का SOS बटन दबाते ही आपके फोन की GPS लोकेशन तुरंत संबंधित पुलिस कंट्रोल रूम में सेंड हो जाएगी और आपके फोन का फ्रंट और रियर कैमरा स्वतः ही ऑन होकर घटनास्थल के ऑडियो वीडियो और पिक्चर कैप्चर करके पुलिस कंट्रोल रूम को सेंड कर देगा और आपके परिवारजनों को भी मैसेज जो है वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। इस ऐप को आप किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको SOS राजस्थान पुलिस या अभय नाम से सर्च करना है। उसके बाद इस लोगो की जो ऐप आएगी उसको आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपनी भाषा का चयन करना है, हिंदी या इंग्लिश आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें चयन कर सकते हैं। इसके बाद इस ऐप की टर्म और कंडीशन आपके सामने होगी जो आप पढ़कर एक्सेप्ट करिए। इसके बाद में रजिस्टर करने के लिए इसमें ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दर्ज करना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके फोन में आपको SMS में एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को आप यहाँ पे दर्ज करिए और नेक्स्ट पर क्लिक करिए। इसके बाद में ये इंटरफेस खुलेगा इसमें आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये ऐप जो है वो आपसे परमिशन मांगेगी, वो आप पढ़ के अलाउ कर दीजिए और उसके बाद ये होम पेज खुलेगा। इस होम पेज पे आपको मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद माई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको अपने परिवारजनों के, जिन्हें भी आप किसी आपातकाल परिस्थिति में सबसे पहले सूचित करना चाहिए, उनके परिवारजनों के 5 मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये है इस ऐप का होम पेज। किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपको सिर्फ इस SOS बटन को एक बार प्रेस करना है। इसके प्रेस करते ही आपके जो घटनास्थल है वहाँ का मैसेज और ऑडियो पिक्चर्स और वीडियो ये सारे ऑटोमेटिक लिंक होके संबंधित पुलिस कंट्रोल रूम को सेंड हो जाएंगे और आपके परिवारजनों के लिए जिनके नंबर आपने इसमें दर्ज किया है उनको भी मैसेज सेंड हो जाएगा और उसके बाद में आपको स्टॉप SOS करना है और आपको तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त हो जाएगी। तो अधिक से अधिक इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।